हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी में। देखिए, हमने जनरल साइंस की जो सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी तीन पार्ट्स में अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। तो यदि आप वो देखना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था जनरल वन लाइनर क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में वायरल डिसीज देखी थी, थर्ड पार्ट में प्रोटोजोअल डिसीज देखी थी, और वो उनको हमने ट्रिक के साथ देखा था जिससे कि आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो हम अपना फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे जो फंगस के कारण डिसीज होती है, ह्यूमन डिसीज, उनको देखेंगे और उसमें देखेंगे क्या उन सब पार्ट अफेक्टेड ऑर्गन होता है और उसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है उसको देखेंगे और उसके सिम्टम्स क्या 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 है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जनरल साइंस पार्ट फोर को। तो यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट देखते हैं फंगस डिसीज के बारे में। पहली फंगस डिसीज जो होती है फंगस के कारण, वो आपकी अस्थमा डिसीज होती है फंगस के कारण, और इसके जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है अस्थमा डिसीज के लिए वो आपका होता है एस्परजीलियस फमीजेटस इज रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर अस्थमा डिसीज के लिए। और इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है, इट ऑब्स्ट्रक्ट द फंक्शन ऑफ द लंग्स। तो इसमें जो ये लंग्स के फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो इसका मतलब आपको डिसीज के लिए जो फंगस है वो आपको याद रखना है कौन सा होता है, एस्परजीलियस फ्यूमीजेटस इसका रिस्पॉन्सिबल फंगस है फॉर अस्थमा डिसीज के लिए। सेकेंड डिसीज होती है आपकी एथलीट फूड्स की बात की जाए तो इसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है वो टेनिया पेट्स इज द रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर द एथलीट फूड डिसीज। और वहीं आपके सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें जो क्रैकिंग ऑफ फिट हो जाती है, तो फुट आपका सूज जाता है और उसमें क्रैकिंग आ जाती है, तो इसके जो सिम्टम्स है एथलीट फूड्स का वो आपका क्रैकिंग ऑफ फिट होता है। वहीं आपकी थर्ड डिसीज जो होती है वो स्कैबीज होती है, स्कैबीज डिसीज होती है, और इसके फंगस की बात की जाए तो एकेरस स्कैबीज इज द रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर स्कैबीज डिसीज ऑफ द फंगस। ठीक है ना, इसके लिए जो सिम्टम्स होता है वो व्हाइट स्पॉट्स फाउंड ऑन द स्किन, स्किन्स पे जो होते हैं वो व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं स्कैबीज डिसीज में। वहीं आपकी वेलनेस की बात की जाए, गंजापन जो भी होता है इसके लिए जो फंगस डिसीज होती है वो आपकी टेनिया कैप्टिस इज द रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर वेलनेस डिसीज। और इसमें जो ये तो पता ही है आपको, बोल्डनेस हेयर ऑफ द हेड फेल्स, इसमें सिर के बाल गिर जाते हैं। फिफ्थ डिसीज जो होती है वो रिंग वॉर्म होती है, वो फंगस के कारण होती है, तो इसके लिए जो फंगस रिस्पॉन्सिबल है वो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम इज द रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर रिंग वॉर्म डिसीज। और इसके जो सिम्टम्स की बात की जाए तो राउंड रेड स्पॉट्स ऑन दी स्किन, इसमें क्या होता है राउंड रेड स्पॉट बन जाते हैं स्किन पे। तो ये ऑल अबाउट द फंगस डिसीज के बारे में। बस आपको यहाँ पे क्या करना है, फंगस डिसीज का आपको फंगस याद रखना है और फंगस के कारण कौन सी डिसीज होती है। तो पहली डिसीज जो होती है वो अस्थमा होती है, दूसरी आपकी एथलीट फूड्स होती है, तीसरी आपकी स्कैबीज होती है, चौथी आपकी वेलनेस होती है, और पांचवी आपकी रिंग वॉर्म होती है। अस्थमा डिसीज के लिए एस्परजीलियस फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है, एथलीट फूड्स के लिए टेनिया पेट्स रिस्पॉन्सिबल होता है, स्कैबीज डिसीज के लिए एकरस स्कैबीज रिस्पॉन्सिबल होता है, वेलनेस के लिए टेनिया कैप्टिस रिस्पॉन्सिबल फंगस होता है, वहीं रिंग वॉर्म की बात की जाए तो ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम इज द रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर फंगल डिसीज। तो ये ऑल अबाउट था फंगस डिसीज के बारे में। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे YouTube चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।